हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर हदी हेयर. आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है. न्यूरोट्रांसमिशन नहीं बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर्स है. आज के वीडियो लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा. इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि एक तो आपका टॉपिक इसमें शामिल है, सेकेंड ईयर के बायोलॉजी का, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स. हम पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें नर्व गैस है, ये एक किस्म का जहरीला गैस है जिससे इंसान की डेथ होती है. मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डेथ, इसकी वजह से इंसान की डेथ क्यों होती है और इस गैस का ताल्लुक, इस जहर का ताल्लुक न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ क्यों है. इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छा जनाब, पहले लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरफ कि ये क्या है. न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग के अंदर, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है. ये एक न्यूरॉन है. आपको पता है कि न्यूरॉन क्या है. न्यूरॉन पर मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है. अगर बाज स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि सर न्यूरॉन क्या है, तो आप देख सकते हैं पहले भी न्यूरॉन की वीडियो, फिर आप आ सकते. सो ये एक न्यूरॉन है और इसका नाम है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसमें पहले से मैसेज आ रहा है, नर्व इम्पल्स आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर सारे सिग्नल्स होते हैं ना. तो ये एक सिग्नल आ रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं. और नर्व इम्पल पर भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं. तो यहाँ पर ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन है जो आप देख रहे हैं. दिस इज सेकेंड न्यूरॉन, लेकिन इसका नाम क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. अब ये जो सिग्नल आ रहा है इसको यहाँ पर आना पड़ेगा. सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आना पड़ेगा. जिस तरह के दो वायर है, वायर के अंदर करंट आ रहा है, अगर ये वायर दूसरे वायर के साथ कनेक्ट ना हो तो वो करंट कैसे दूसरे वायर के अंदर शिफ्ट होगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो एक न्यूरॉन है, इससे सिग्नल ने यहाँ पर आना होगा. लेकिन इधर बीच में क्या है, बीच में न्यूरॉन नहीं है, बीच में स्पेस है. इस स्पेस का नाम है साइनेप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या नाम है इसका, साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्स. ठीक है, न्यूरोट्रांसमिशन भी इसको कहते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन. तो इस मैसेज को इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में लाने के लिए कुछ केमिकल्स सब्सटेंस होते हैं. वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इस गैप में, ये जो गैप है यहाँ पर रिलीज्ड हो जाएंगे. पहले से वो यहाँ पर मौजूद थे, बाद में वो यहाँ पर आएंगे. मैं तफसील इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है न्यूरोट्रांसमिशन में, साइनेप्स का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, उसमें ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. तो कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो रिलीज हो जाते हैं, वो इस खाली गैप में आ जाते हैं. इस गैप में आने के बाद ये जो नर्व इम्पल्स है वो बिलाखिर इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंटर हो जाता है और आगे मूव करेगा. तो ये जो आपने इलाका देखा, ये जो आपका इलाका है, इसको बोलते हैं साइनेप्स. और बीच में जो स्पेस है, इसको कॉल साइनेप्टिक क्लेफ्ट. और जो केमिकल सब्सटेंस ने मदद की, हेल्प की सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में लाने में, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स. और इस प्रोसेस का नाम है न्यूरोट्रांसमिशन. और इसके बीच जो गैप है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स. साइनेप्स पर ऑलरेडी ये बड़ा प्यारा लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं. खाली नाम टाइप करो, डॉक्टर हादी सामने लिखो तो आ जाएगा. अब ये था न्यूरोट्रांसमीटर का डेफिनेशन. क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है. बिल्कुल, ये केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, कि हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. इसको आप सिग्नल भी कह सकते हैं, इसको आप मैसेज भी कह सकते हैं, इसको आप नर्व इम्पल्स भी कह सकते हैं. नर्व इम्पल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट करने में मदद देता है. इसके अलावा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है,
इसका किरदार हमारे जिस्म में हमारे मूड के साथ है। जो आप कभी आपका मूड ऑफ होता है, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप एक्साइटेड होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपने कोई गेम जीत लिया, गेम जीतने के बाद जो एक्साइटेशन आपके अंदर आती है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। जब कोई बंदा बहुत डिप्रेस हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई गम आया, कोई सदमा आया, उस सदमे के दौरान आपके जिस्म में जो फिजियोलॉजी चल रही है, आपके जिस्म के अंदर जो केमिस्ट्री ऑपरेट कर रही होती है, वो भी इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। अगर आपको सही नींद आ रही है तो वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर का मसला है। हत्ता कि जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग का इशू है, उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर का इशू का किरदार है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये कमाल के सब्सटेंसेस हैं। हम आज सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास दो तरह की है, एक है एक्साइटेटरी और एक है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले आते हैं। मैं इधर ओके का निशान लगा देता हूँ। वो मैसेज को क्या करते हैं? ले आते हैं, मैसेज को ले आते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जो इनहिबिटरी है, इनहिबिट की इंग्लिश मतलब है रोक देना। अब ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में नहीं आने देता। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नर्व इम्पल को दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने नहीं देता, बल्कि उल्टा उसको स्टॉप करते हैं, दे आर कॉल्ड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आपको इसका बताया था, जो न्यूरोट्रांसमीटर का डेफिनेशन वो असल में एक्साइटेटरी के साथ आ रहा है। तो जो इनहिबिटरी है वो उस नर्व इम्पल को आगे जाने नहीं देता, यानी ये करता क्या है, ये एक्साइटेटरी का अपोजिट करता है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, ये क्या करते हैं, इंक्रीज परमेबिलिटी टू द सोडियम आयंस। असल में यहाँ पर जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर क्या होता है, सोडियम। सोडियम पर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। तो आमतौर पर न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बाहर प्लस चार्जेस होते हैं, वो बाहर प्लस होता है प्लस, और अंदर माइनस के चार्जेस होते हैं। अंदर का जो रीजन है वो नेगेटिव है, आसान अल्फाज में अंदर का रीजन नेगेटिव है, बाहर का रीजन पॉजिटिव है। जब एक मैसेज अंदर आ रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, उस दौरान होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो सोडियम आप कह सकते हैं, जो सोडियम है, गौर से देखिए, जो सोडियम है, सोडियम इस पर्दे को क्रॉस करके क्या करेगा, अंदर आएगा। सोडियम आयंस एक थोड़ी है, तो बहुत सारे सोडियम अंदर आएंगे। जब बहुत सारे सोडियम अंदर आएंगे तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इलाका पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर वाला इलाका नेगेटिव हो जाएगा। सोडियम की कुर्सी जब खाली हो जाए तो उस जगह को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं, कोई सोडियम उधर नहीं है तो वो जगह नेगेटिव आप कंसिडर करते हैं। और फिजिक्स में भी ये रूल है, नेगेटिव जब अपना जगह छोड़ेगा तो उधर पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्रिएट करते हैं फिजिक्स में, और अगर उधर पॉजिटिव आप रिमूव करेंगे तो नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा। सो लिहाजा इधर हम लोग क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव लगा रहे हैं, इधर भी सोडियम आयन सारे आ जाएंगे बाहर, अंदर आ जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव हो चुका है, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि न्यूरॉन के अंदर सिग्नल आ गया, नर्व इम्पल्स इधर आ गया ऐसे कंडीशन में, तो सारा कमाल किसका था, सोडियम के अंदर आने का था। सोडियम आयन जब अंदर आएगा तो न्यूरॉन के अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा। सोडियम आयन जब न्यूरॉन के अंदर आएगा तो करंट उस न्यूरॉन के अंदर सिग्नल फ्लो करेगा, सिग्नल स्टार्ट करेगा। तो कमाल सोडियम आयन का है जो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा। अब देखो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम आयन को अंदर उनकी तादाद को ज़्यादा कर देते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो पर्दा है, पर्दे की परमिएबिलिटी यानी इजाज़त, परमिशन, उस परमिशन को ज़्यादा कर देते हैं। जैसे ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा सोडियम आएंगे। मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी जितना ज़्यादा हो जाएंगे उतना ज़्यादा सोडियम आएंगे। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये उस पर्दे के, इस मेम्ब्रेन के जिसकी उस तरफ सोडियम पड़े हुए थे, वहाँ पर जो पोर्स है, सुराख है, उसको खोल देते हैं ताकि सोडियम आयन अंदर आ जाए। तो ये सोडियम आयन जब अंदर आएंगे तो सिग्नल प्रोड्यूस होगा, उस न्यूरोट्रांसमीटर को बोलेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल कौन से हैं, एक हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, बहुत मशहूर न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन।
ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसका किरदार बहुत ज़्यादा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स है, तो ये वहाँ पर यानी आपके ब्रेन के बाहर जो नर्व्स है वो एसिटाइलकोलिन को इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर आप ब्रेन के अंदर जाएँ, ब्रेन के अंदर आप जाएंगे तो ये जो तीन नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले जो तीन नाम हैं इनको कहते हैं बायोजेनिक अमाइंस, बायोजेनिक अमाइंस इसको कहा जाता है। ये असल में अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं मोस्टली, तो इनको नाम दिया गया है बायोजेनिक अमाइंस। ये जो तीन नाम आप देख रहे हैं, एपिनेफ्रीन इसका एक और दोस्त भी है, इसका एक कज़न भी है, उसका नाम है नॉर एपिनेफ्रीन, सेम टू सेम एपिनेफ्रीन उसके साथ नॉर एपिनेफ्रीन। और सेरोटोनिन और डोपामाइन ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको CNS के अंदर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको CNS के अंदर मिलेंगे, ये आपको PNS, तो जो PNS के अंदर है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर है, वो आपका एसिटाइलकोलिन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बात उनको बन, ये क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो नर्व्स निकले हुए थे उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपका ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जितनी नर्व्स निकले हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स निकले, इन नर्व्स को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि सिर्फ दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, इन दो को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये आपका CNS है और इससे जो निकली हुई तारे हैं उसका नाम है PNS। तो ये PNS में एसिटाइलकोलिन है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रीन है, सेरोटोनिन है और डोपामाइन है। और बताता हूँ, ये जो सेरोटोनिन है और डोपामाइन है, इसका इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन FSC के लेवल तक इतना सा आपके लिखा हुआ है कि इनका किरदार है स्लीप में, सोने में, मूड चेंजेस, जो आपके मूड, अटेंशन है, इवन जो लर्निंग है, उनमें इन दो का किरदार है, ठीक है। एपिनेफ्रीन क्या करता है, एपिनेफ्रीन का किरदार किस चीज़ में है, ये आपका जो दिल की धड़कने हैं, हार्ट बीट या हार्ट के जो रफ्तार है उसको ज़्यादा कर देते हैं, ख़ासकर किस वक़्त, स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी किस्म के हालात में, भागना चाह रहे हैं, कोई खौफ है, कोई डर है, सम काइंड ऑफ कंपटीशन है, उस वक़्त आपकी दिल की धड़कनें डप 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 तेज़ हो जाती है, आपके जिस्म को जो है फोकस किया जाता है, चौकस किया जाता है, आपके जिस्म को अलर्ट किया जाता है, इमरजेंसी से जो जैसे कि अलार्म बजता है तो सब कुछ अलर्ट हो जाता है, ये आपका एपिनेफ्रीन जो है, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन दोनों जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम आते हैं नर्व गैस की तरफ, नर्व गैस क्या है और ये किस तरह डेथ कॉज करता है, इससे लोगों को जो है मतलब दिस कैन किल पीपल, इससे लोगों को जो है मार दिया जाता है, किल किया जाता है, राइट, तो वो कैसे, अल्लाह बचाए, ठीक है। साइंसदान क्या करे, वो तो बना रहा है, अब हमें तो स्टडी करनी पड़ेगी। एसिटाइलकोलीन का नाम आपने पहले से सुना है, ये क्या, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर, गौर से देखें, एसिटाइलकोलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, ये रिलीज़ हो जाएगा, ये चला जाएगा आपके मसल में, ठीक है, बाइसिप मसल, ट्रिसिप मसल, डायफ्राम मसल है, जो भी मसल है, ये मसल पे जाकर मसल के अंदर क्या काज करेगा, कंट्रैक्शन, बाइसिप मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अब इस वक्त अगर आप अपना बाइसिप मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो दरअसल ये एसिटाइलकोलीन आपके मसल पर आ रहा है, राइट, दिमाग के साथ कनेक्ट है, ये काम कौन कर रहा है, ये एसिटाइलकोलीन कर रहा है, मैं आपको जस्ट सच्ची बता रहा हूँ, ये एसिटाइलकोलीन मसल के ऊपर एक्ट करेगा, मसल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अब कब तक मसल कंट्रैक्ट करेगा, आपने हमेशा तो इस तरह तो मसल कंट्रैक्शन की हालत में तो नहीं रखा, मसल को अपने कंट्रैक्ट करना, दोबारा रिलैक्स भी तो करना है कि नहीं करना है, आपके इवन जितनी बॉडी में जितनी भी मसल है कंट्रैक्ट करते हैं तो रिलैक्स भी तो आपको करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मसल कंट्रैक्शन को अब हमने इनको रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने के लिए क्या है, एक एंजाइम है, उस एंजाइम का शॉर्टकट नाम है एस्टेरेज और उसका पूरा नाम है एसिटाइलकोलीन एस्टेरेज, पूरा नाम है उसका। तो ये जो एंजाइम है एस्टेरेज, दिस इज आवर एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम एक्ट करेगा, किस चीज के ऊपर एक्ट करेगा, किस चीज के ऊपर, यहां पर आप देख रहे हैं ना ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये जो एसिटाइलकोलीन है, ये जो आपका एंजाइम है,
ये इंजाइम यहाँ पर आकर ये जो एसिटाइल कोलीन पड़ा हुआ है इसको ये ब्रेक डाउन कर लेगा। क्या करेगा? ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलीन। जब आपका एसिटाइल कोलीन टूट जाएगा तो उससे मसल की कंट्रैक्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा। आमतौर पर ऐसा होता है, जब भी आप अपने मसल को कंट्रैक्ट करते हैं तो एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा और आप उसको जब रिलैक्स करते हैं तो उसमें उसको एसिटाइल कोलीन को दोबारा एंजाइम की वजह से तोड़ दिया जाता है, मतलब ये होता रहता है। अब देखिए, अब आपका जो नर्व गैस है, नर्व गैस जो है वो क्या करते हैं, नर्व गैस जिसका नाम क्या है, सारिन, SARIN, ये नर्व गैस है। ये नर्व गैस क्या करता है, ये इस एंजाइम पर आकर एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, एंजाइम को पकड़ लेता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम अपना ड्यूटी नहीं कर सकते। तो एंजाइम बेचारा आगे नहीं आएगा। जब एंजाइम नहीं आएगा तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा हुआ है, वो पड़ा रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जब तक पड़ा रहेगा आपका मसल कंट्रैक्ट हालत में ही रहेगा, आपका मसल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब ये ब्रेकडाउन नहीं होगी तो आपका मसल भी रिलैक्स नहीं होगा, आपका मसल रिलैक्स नहीं होगा, आपका मसल उसी तरह कंट्रैक्टेड हालत में रहेगा, मसल कंट्रैक्टेड रहेगा। मसल जब कंट्रैक्टेड रहेगा तो हम कहते हैं कि आपके मसल को पॉइजन किया गया है। देखिए इसी तरह से मैं कहता हूँ ये डेथ कैसे काउज करता है, आपका जो डायफ्राम है जिस आप सांस लेते हैं उसमें आपके रिब मसल्स हैं, इस पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है गैसेस एक्सचेंज में, ठीक है, कि सांस लेने में आपके मसल्स कौन कौन से किरदार अदा करते हैं। उसमें एक ये इंटरकॉस्टल मसल्स है और एक इसके नीचे एक डायफ्राम मसल है, बड़ा सा शीट है डायफ्राम का। अगर इस नर्व गैस से उस डायफ्राम के मसल को पैरालाइज किया जाए, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो आपका डायफ्राम बजाय ये कि वो अपने आप को रिलैक्स करे, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो आपको सांस लेने मुश्किल आती होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उसे डेथ भी कॉज होती है। इसीलिए इसको नर्व गैस का नाम दिया गया है जिसको बहुत लड़ाई में यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज द लेक्चर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप आपको ये समझ भी आ गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, FSC लेवल का भी है और ये मास्टर लेवल का भी है, दोनों आपने इन्जॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।